असलम दिस इज ऑन द स्पॉट माय नेम इज़ हसन चौधरी एंड दिस लेडी सिटिंग नहीं नहीं दोबारा की जरूरत नहीं है वो कह रहे हैं दोबारा करें नहीं बहुत ज़्यादा है आप कैसी आ रही है कोई बात नहीं अब और ज़्यादा आ रही अब बंद हो गई है अब ठीक है ऑन द स्पॉट

इस बार इन्होंने मुझे चीट कर लिया पिछली बार इन्होंने नहीं थे चेंज किए ऑन shooting... I mean, आप, तो... आप कि बता देते करना है और कपड़े भी ले आते हैं पचास बार पिछली बार कह चुका ऑन द स्पॉट यार अभी तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि आप गाड़ी में एक शर्ट लटकाए रखते है हमेशा मैंने वो लेवल इन्वेंट किया देखे oh, uh, okay तो कम, 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 कम पानी इस्तेमाल करें पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करें बार बार पहने अगर एक आउटफिट में से भू नहीं आ रही मैं सारी चीजें दुनिया की मान सकता हूं अगर कोई ये मुझे कह दे कि मेरे ता... से या मेरे कपड़ों से स्मेल आ रही है ओके। okay. <coughs> as as आप आपके पास बदबू नहीं आ रही आप पहने उन कपड़ों को बार बार करें ना बदबू बल्कि खुशबू आ रही है रमजान आने वाला मैं झूठ नहीं बोल सकती खुशबू आ रही है बोले कसम है आपको सच बोले किसकी आपकी कसम नहीं जिसकी भी कसम खा नहीं

ठीक है बगलों में अपनी बगलें साफ करें रोल ऑन लगाएं फिर आप डियोड्रेंट लगाएं रोल ऑन से पहले भी एक चीज है पहले तो बगलों के बाल साफ करें <laughs> तो चलो वो आपकी मर्जी नहीं सफाई असल दिमाग से शुरू होती है कहां से वो अब आजकल वो ट्रेंड चल गया कि नहीं ऑल अबाउट हेयर एंड स्टफ लाइक दैट नहीं ऐसा नहीं नहीं लाइक ओके हम उन उनमें से नहीं आए हैं ठीक है देखिए ओके तो वो सफाई पहले <laughs> फिर आप रोल ऑन लगाएं सबसे पहले तो अपनी नियत साफ करें नियत आप रूह साफ करें अभी उस पे तो आने देना रोल ऑन लगाएं हाँ। रोल ऑन के बाद डिओड्रेंट लगाएं जी डिओड्रेंट के बाद एक आप सर डिओड्रेंट में और रोल ऑन में क्या फर्क है रोल ऑन आप रोल ऑन होता है और डिओड्रेंट आप बाकी की बॉडी पे भी लगाते हैं रोल ऑन आप पूरी बॉडी पे तो नहीं रोल करते ना आप पूरी बॉडी पे रोल करते हैं रोल और डिओड्रेंट एक ही चीज है दोनों। नहीं रोल ऑन की टेक्निक नहीं आप कह रहे हैं आप आप पूरी पे लगाते हैं भाई। roll on आप, अपने से क्या आप उस पे <laughs> roll on लगाएं। इनका कहने का मतलब ये है कि बगलों में एंटी प्रेस्परेंट लगाएं पहले रोल ऑन उसके बाद रोल ऑन यू यूज अ रोल ऑन नॉट एवरीबॉडी नीड्स टू यूज ऑन आई डोंट यूज ऑन यू यू मस्ट नो आई ओह इसीलिए मैं कहूं अच्छा

ये और जहाँ हम इमार की पर्सनालिटी की खुशबू है <laughs> तो बाहर आ रही है और क्योंकि ईमान का आधा हिस्सा जो है वो सफाई है इसलिए अगर आप रोजेदार हैं प्लीज अपनी औरल हाइजीन का भी ख्याल रखें तो ये तो बहुत सीरियस डिस्कशन हो गई है ये ऑन द स्पॉट नहीं है चलें ऑन द स्पॉट पे शुरू हो गया काफी, पहला काफी पहला हो गया है आपको पढ़ती हूँ क्योंकि आपने बहुत कम मैं पढूं मुझे एक बड़ा मजे का कमेंट हाँ, शुरू आप कमेंट लगा मैं जब तक खोलूं मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है बट ये ऑब्वियसली अभी रिसेंटली किसी कोई रिव्यू में कोई बात हुई है तो मदिया 7880 वो लिखती हैं डियर हसन ये सुनने वाला कमेंट है विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट टू मदिया जी मदिया जी लिखती है डियर हसन ये मदिया बोली तो नहीं जिन्होंने ड्रामा लिखा था मुझे नहीं पता अगर बटमदिया 7880 लिखती हैं बुशाय मदिया शायद ना हो हाँ वो लिखती हैं बड़ा गौर तलब मैं चाहूंगा क्या डियर हसन व्हेन यू से नवाब के बच्चे से आई फाइंड इट डिसरिस्पेक्टफुल एज आई बिलोंग टू नवाब फैमिली प्लीज रिस्पेक्ट प्लीज और ये हाथ जोड़ तो मैं चाहता हूं कि मेरा तो नवाबों से दूर-दूर तक कोई गहरा ताल्लुक नहीं इसलिए मुझसे नहीं आपको एड्रेस किया गया इसीलिए इसीलिए मुझसे ये कोताई हो गई है

I'm sorry, Madhyaji, I'm sorry to ji. all Nawabs all around the world, hmm. and especially sorry to a very dear friend of mine, Saif. Sefu and his uh, family. Hmm, they should be uh, Lolo, Bebo. Not Lolo, but Bebo and Tamur hmm. and Jay. Hmm. Uh, sorry, guys. I was, I, it was not my intention to be disrespectful to the Nawabs hmm. of the world. Um, I meant to Lard, se I exactly but Lard se kahoga ki Nawab ke Aisi baat hui <coughs> बड़ा हमारा जो तेरे बिन का रिव्यू है उसको लेके बहुत डिस्कशन होती जी है जी। बहुत उस कॉमेंट्स भी आते हैं जी जी एक मैंने देखें कितनी देर से हमने ऑन द स्पॉट नहीं किया जो मैंने एक कमेंट सेव किया हुआ है वो मछली के पुलाव पे था यार आप आज बताई दें आपने कभी खाया मछली का पुलाव मैंने तो नहीं खाया मैंने भी नहीं खाया गो की मेरी आई थिंक मैंने फिश बिरयानी खाई है मैंने भी खाई है बनाई भी है फिश पुलाव मैंने नहीं बनाया लेकिन मैं माजरत चाहती हूँ उन सब लोगों से जिन्होंने बुरा मनाया और कहा कि मैंने कैसे नहीं बना खाया और ये भी कहा कि मेरी क्योंकि मैंने अपने ससुराल में भी कभी नहीं खाया लेकिन मैंने मेरी दूसरा फिश दूसरी फिश कौन सी थी फिश कढ़ाई hmm. वो मैंने खाया वह तो एनी anyway,

और एक जेनमन और वाकई में एक सीरियस और मजे का सवाल आप मतलब आता मछली के पुलाव में ना जाऊं ये पुराना कदीमा के टाइम का ये है, है। फिर कोई ऑफेंस ना ले जाए कदीमा वाले कि ये, वो हाँ। ये।, ये श्वेता एट नाइन डबल एट लिखती हैं तो श्वेता विद ट्रिपल ए एट द एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने कहा आमना जी से पूछूंगा क्योंकि अगर मैंने पिक की नहीं की मैं तो चलो ठीक है नहीं कर पाया आमना जी ने ये बात क्यों नहीं पिक होल मा बेगम एंड सो रिग्रेसिव आई मीन इफ अ गर्ट्सिटी एंड एक्सेप्ट एनी फोर्सफुल डिसीजन इम्पोज है ये नहीं है पुराना कॉमेंट पिछले हफ्ते का कॉमेंट है क्या? दुवारा दुवारा होल महा बेगम एंड बात हो रही थी जब हमने कहा यार कितनी अच्छी सांस दिखाई हाँ। है वो कह रही है कि यार ये तो वेल well डन तुम अपना लो, अपना लो आप भी दे दो अपना पन भी दे दो मोहब्बत भी दे दो मुजसिम को और वो भी आगे से कहती है तो फिट है उनकी माँ बेगम की और उनकी महा बेगम जवाब है इसका हम क्या कह सकते हैं तो आप लोग ड्रामो को रिव्यू करते हैं आप लोग बड़ी तारीफें करते हैं माँ बड़ी अच्छी सास है मॉडल है आप तो ये डिफरेंट different... आप, जो ओपिनियन था आपने जो अपना एक फीडबैक दिया ड्रामे को तजिया किया सीनियर तजिया कार है आपका तज्जिया था वो इसके बरक्स था तो ये किसी का ओपिनियन आया आपके तजिये को मैं हर ओपिनियन की इज्जत करती हूँ

मुझे तो अच्छा लगा कि वो सास बैठ के उनको कह रही है कि तुम बेटा इजी हो जाओ हम्म हाँ। तो आपको ये रिग्रेसिव कॉन्वर्सेशन बिल्कुल नहीं लगी नहीं ठीक एक सवाल और मेरे जहन में वैसे उठता है उठाए आपने कहा यार कि वो जो है माहिर हम्म वो सास से मोहब्बत नहीं करती बस बात खत्म हो गई

आगे चले नहीं गलत आप एक्चुअली इंसान को समझे नहीं मैं इनको नहीं आ, 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 भी मेरे पास तो सारे पुराने कमेंट्स हैं आप ही पढ़ ले तो क्या करती नहीं है आप जब आपको हमने कहा था कि आपने जी ऑन द स्पॉट ले जी मैं मेरे पास भी ये जरा सा पुराना है लेकिन क्योंकि इसमें मेरी काफी मिट्टी पलीद की गई है मैं अच्छा, अच्छा ले अपनी मिट्टी पलीद हाँ। खुद ही आप ले रही हाँ ये जी रैशनैलिटी सीकर क्योंकि ये सीख, तो सीख कर, love you, love you you, सी, कर रहे हैं अभी तक सीख कर नहीं पाए उनका गलबन मेरा जो सर का पैनल डिस्कशन था उसके बाद hmm. नहीं मुझे पढ़ना दे आप ना झांका झांकी करें आमना को एक बंदे ने आमना को वन बंदी बंदे का इंटरव्यू करना नहीं आता उनको पांच के साथ बिठा दिया है

तो तुम कर लो आके इंटरव्यू अगर ये, ये, ये का वो है। देने मैं। के लिए म, म, मुझे पढ़ा भी नहीं जा रहा मुझे एक्चुअली दुआ फात्मा ने लिखा है तो तुम कर लो आके इंटरव्यू अगर ये अब देखा ये इनकी एक और स्ट्रेटेजी थी खुद लिखा है इन्होंने दुआ फातमा बनके और अब कह रही है ओ, रोमन उर्दू में लिखा है ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकती यू रीड इट यू रीड इट इसका ये और कभी यकीन हो गया कि इन्होंने लिखा यार शहाब जरा उधर से ने तो लेके आना तो तुम कर लो आगे इंटरव्यू अगर ये सिलेबस देने के लिए माने तो आमना सालों से इंटरव्यूज ले रही है और तुम्हारे मुताबिक उन्हें इंटरव्यू लेना नहीं आता तो अभी तक तो अभी तक सब आमना को आई इंटरव्यू क्यों दे रहे कुछ तो लॉग इन लोग यूज लॉग इन लॉजिक लॉजिक यूज कर लिया करो उल्लू के पठो इन्होंने लिखा है कंफर्म इन्होंने लिखा है और ये टेढ़ी मेरी उसमें लिखा है ताकि इन पे शक ना जाए ठीक है यार कोई बात कोई बात कोई बात जी नेक्स्ट नहीं जी. नहीं यार ऐसे ना बोला करें प्लीज आप ना वेटरन जर्नलिस्ट है हमारी सीनियर है सीनियर तजिया कार है आप शुरू से मुझसे अब ए कर रहे हैं एज एजिज्म कई दफा आप ये है, वो, है, वो वाली बात है कल जोरवा को कह रही थी ये जिस कार्ड प्ले खुद करनी है मैंने बोला सीनियर जर्नलिस्ट हैं ले जी हम दोनों की तरफ ये अब आ रहा है मिस्टर सैफुल इस्लाम लिखते हैं अभी Sir. कल परसों परसों आई डिडंट न्यू दैट हसन एंड आमना हैज लॉट्स ऑफ टाइम टू रिव्यू अ रिडिकुलस ड्रामा लाइक तेरे बिन व्हिच जस्ट हैज रन ऑन व्यूज एंड मेनली कॉपीइंग ऑफ द हिंदी टिपिकल ड्रामास बट आई डोंट हैव एनी वैलिड बट आई डोंट हैव एनी वैलिड पॉइंट ओवरऑल दिस ड्रामा स्पेसिफिकली डोंट गिव एनी सोशल मैसेज टू द यूथ

अच्छे मैसेज वाले ड्रामे को रिव्यू करने की कोशिश की वो भी तेरे बन बनने की कोशिश hmm. कर रहे हैं अब नहीं दे ऑल डिरेल क्या करें अब देखिए इसी से रिलेटेड वर्दा सतार सिक्स थ्री नाइन थ्री ने कमेंट किया सॉरी टू से बट आई गेस यू गाइस ओनली लाइक लव स्टोरीज लार्जर देन लाइफ तेरे बिन काइंड ऑफ फैंटसीज आई एम अ ह्यूज तेरे बिन फैन दो But you all keep asking writers to give you different stories and you finally get it. You are still asking for typical love stories only. Being a Sajjal fan, I also want them to do a proper love story, but this isn't that drama. No offense, but I am loving Kuch Ankahi. Finally, there are no toxic characters, a drama that gives important messages in a lighter, <clears throat> funny way. No offense to both of you. I respect your opinions, but I genuinely feel you guys are being too harsh when it comes to review Kuch Ankahi. निकाला है, जो ड्रामा मुझे अच्छा अब एक बात आपके कुछ अंडी आप मैं तनकीद करता हूँ अब सडनली लोग भूल गए की कुछ एंड कही जो है सिमा की प्रोडक्शन है प्रोड्यूस किया है तो मतलब एक तरफ कहते हैं की जी बायस है लोगों का एक तरफ कहते हैं कि जी ज्यादा करते हैं तो विच ए, ए? अब यह है कि अब तालुकात मेरे खुदा ना खास खराब हो गए सिगमा के साथ या हमायूं सैद के साथ जो मैं मैं हमेशा आप भी सच की कर, बात करें अपनी मुझे ड्रामा पसंद आएगा मैं तारीफ करूंगा मुझे नहीं पसंद आएगा मैं बोल दूंगा सीधी सी बात भाई खरी सी बात और उसमें भी ये है कि अगर किसी एक ड्रामे की एक एपिसोड पसंद नहीं आएगी बोल दूंगा अगली पसंद आएगी तो भी बोल दूंगा नहीं। कुछ रो रहा है नहीं। बोल दिया। नहीं। और ये बात बहुत पसंद आई सलमान ने खुदार पहना लड़की पे फूल के वो बहुत क्यूटी बात करते हैं सच बोलता हूँ मैं नहीं मैं मुझे कोई शौक नहीं है ना मुझे कोई फायदा मिलना है ड्रामो की एक्स्ट्रा तारीफ करके hmm. ना एक्स्ट्रा बुराई करके कोई मुझे hmm. तब भी फायदा hmm. मिलना या hmm. नुकसान होना तो बात वो करे बंदा सच की करे hmm. अच्छा जी ध्यानी uh, शाह लिखते हैं या लिखती हैं ध्यानी वुड बी अ गर्ल और अ बॉय आई थिंक गर्ल ध्यानी um amna i don't know why but i feel a little sarcasm in almost every sentence of yours and you, and you give a little smile too which confirms it हाँ इससे आपको जवाब मिल गया होगा दैट्स फॉर मी टू नो एंड यू टू फिगर आउट सदब सईद five two zero six ने बहुत एक जबरदस्त कमेंट किया मैं मेरे बारे में कुछ होगा आप कहूँगा ये एक बहुत ही गंभीर इश्यू को उन्होंने हाइलाइट किया है जो कि मुझे लगता है कि हमें जरूर एड्रेस करना चाहिए सदफ सईद five two zero six लिखती हैं why did amina put cake in her mouth herself and you put it in your mouth when she was going to you are extremely good friends why making it awkward why did you make it awkward you made it awkward, she's awkward you no, you that and you put it in your mouth when she was going to you're extremely good friends why making it awkward why

मैंने तो कहा क्यों ऐसे किया आपने 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 नहीं क्या क्यों किया आपने? शायद आपने हाथ नहीं वे थे वे। मैं आपको बताता हूं, हुआ गया। <coughs> इसकी कोई ये जो आपने बात की ना इसकी गहराई की तो मुझे नहीं पता लेकिन उस दिन हुआ ये था कि मैं और आमना वो कैंडल्स थे काफी सारे तो आमने कहा कितनी लगाऊ मैंने सारी लगा दी अब कैंडल्स लगा फूलों वाले वो स्टैंड थे जो मैंने कहा इनको दबा करें हाँ मैंने कहा दफा करें कैंड क्योंकि मैं इतना कोई मेरा गहरा ताल्लुक नहीं है केक के ऊपर मोमबत्तियां लगाने से तो मैंने कहा वो स्टैंड को दफा करें ऐसी मोमबत्तियां लगाएं और हम मोमबत्तियां जला देते हैं अब इन्होंने भी जोश में क्योंकि माशाल्लाह इनकी साल गिरा थी तो इन्होंने कहा मैं सेलिब्रेट करूँ इन्होंने सारी मोमबत्तियां लगा दी अब जब इन्होंने सारी मोमबत्तियां लगा दी उन मोमबत्तियों को जलाना भी था पहले इन्होंने जलाना शुरू किया माचिस के साथ तो वो जलाई दो मोमबत्तियां जली अब वो पिघलना शुरू हो गई उनका मोम गिरना शुरू हो गया केक के ऊपर फिर उन्होंने बोला कि अच्छा देख मोम पकड़ो माचिस और तुम भी जलाओ तो मैंने क्या किया माचिस की बजाय मोमबत्ती के साथ जलानी शुरू की अब जो मोमबत्ती वो मेरे हाथ में वो भी पिघलना शुरू हो गई दूसरी भी हम जला रहे हैं एक बंद हो जाती थी फिर एक जलाओ फिर वो करते 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 मोम उनका टपकना शुरू हो गया मोम उनका टपकना शुरू और जब तक के? वो सार... ये पता नहीं क्यों मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बट एनी तो जब तक हमने सारी मोमबत्तियां जलाई और आमना ने फूक मार के मोमबत्तियां बुझाई वो आधी मोमबत्तियां रह चुकी थी और बाकी जो पूरा केक था वो मोम से भरा बराबर यही हुआ था ना और फिर आमना ने आपने देखोगा वीडियो में बोला भी कि मैंने कहा था ना वो लगा लो होल्डर hmm. so, वो होल्डर नहीं लगाया अगली बार के लिए समझ आ गई टू मी तो मुझे था वो आगे मोम लगी हुई है तो so मैंने वो हटाया तो उस एनीवे anyway, एनी उसी उसमें वो खा लिया hmm. फिर मैंने जब इनके लिए काटा hmm. तो ए, उठाने लगी फिर मैंने देखा इनके पे भी मोम लगी तो खैर मैंने सोचा नहीं प्लेस इट मोमबत्ती का ऑन द केक

परफेक्शन क्या मांगती है परफेक्शन परफेक्शन जो जो सात को डिफेंड कर रहा था अगला रिव्यू देखना मत भूलिएगा मैंने नहीं किस देखी तो मैं देखना चाहूंगा कि आपके कैन जी जी मैं सात पे ऑन द स्पॉट करना चाहूंगी क्या हम सात को ऑन द स्पॉट कर सकते हैं ठीक है कल नहीं ऐसी बात है आई एम <coughs> जो अच्छा इंसान होगा जो कि बहुत

If we do not need to to They mean to say. औकात में रहो मर जाओ घोड़ा जो भी बोला घोड़ा बेलगाम इस, था था नहीं। बोला। बेल इस अच्छा। Conversation thi नी किसी और drama mein थी किसी और drama में थी अच्छे अच्छे तमीजदार फिक्शनल बॉय एंड गर्ल मदर इन लॉ फादर इन लॉ ब्रदर्स सिस्टर्स मदर्स फ्रेंड लवर्स हों टीवी वी वो कह रहे हैं कि सारे किरदार ही अच्छे होंगे ऐसा नहीं खाली ये बोला जाए कि यार कि मर्द जो है वो थप्पड़ ना मारे औरतों को भी चाहिए कि वो अकात में रहे क्या कहना चाहेंगे इस पर एक परस्पेक्टिव है लेकिन आस जी साहब मैं आपको एक बात बताऊँ पहले भी ये बात कर चुके हैं यूजअली ऐसा होता है कि खातन के ऊपर जुल्म ज्यादा दिखाए जाते हैं खाती के ऊपर मार पिटाई ज़्यादा दिखाई जाती है ख़वान को आ, को एक तरह से आ, उनके उनकी ख्वाहिशात या उनके जो भी हकूक हैं वो ना दिया जाए इस तरह के किरदार ज़्यादा दिखाए जाते हैं सो नेचुरली हम भी उन एस्पेक्ट्स के बारे में कहा उस तरह की कहानियों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं तो ये तो बहुत कम होगा ना कि कोई ख़वात जो हैं वो टी के ऊपर असल ज़िंदगी में तो शायद तादाद ज़्यादा हो बट टीवी के ऊपर बहुत कम ऐसा होता है कि खुवान जो है वो मर्दों के साथ या खामंदों के साथ या शोहरों के साथ बदतमीजी करें या शोहर को मारें आखिरी कौन सा आपने ड्रामा देखा होगा जिसमें आई थिंक मेरे बन जाओ में किज़ा का जो किरदार है उसने थप्पड़ मारा था फरदीन को बट फॉर गुड रीज़न फॉर गुड रीज़न उसके अलावा आपने आज तक कभी किसी ड्रामे में देखा है कि किसी औरत ने किसी बीवी ने अपने शोहर को थप्पड़ मारा हो नेवर गए कभी आप हाँ। और अगर आपसे कोई पूछे कि कभी आपने किसी ऐसे ड्रामे को देखा है जहाँ पे शोहर ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा हो तो आप अपने फिंगर ट्रिप्स पे अभी फ़ौरन बताना शुरू करेंगे तो 20 या 25 या 30 या उससे भी ज्यादा ड्रामे ये किरदार आप बता पाए तो इस ये वजह है ये बुनियादी वजह है जिसके लिए हम इस मौजू के ऊपर ज्यादा बात करते हैं यार कि खुवान को मत इस तरह दिखाएं अगर मर्दों पर कल को ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे अगर एक मर्द को भी पढ़ता है दो को भी पढ़ता है वो भी गलत है Unless अगर उसने आ, अगर फरदीन जैसी हरकत की हो तो वो फिर एक अलग कहानी हो जाती है फरदीन कौन है असफर का अच्छा ये आपके लिए कमेंट है आप कमेंट भेजने भी शुरू कर दिए हाँ, हाँ। <laughs> भूल जाऊंगी Sakshi Nile writes, I have always been watching your show since 2020 and always loved how honest you guys have been. But I noticed a change lately in Hassan. You somehow seem to be covering actors' flaws. Like in acting, you always bring up bad writing or direction debate instead of talking about acting. And here in Nida's case, obviously you're neither admitting she's acting nor she isn't actually that bright. Maybe it's because of personal bonds you have with actors now. Love Amna for uh, still stating out her point. जस्ट आई रिक्वेस्ट प्लीज़ बी ऑनस्ट विद यो ठीक ऑन द स्पॉट हैश टैग ऑन द स्पॉट हैश टैग हसन हैश टैग आमना साक्षी ये आपका जो पॉइंट है ये आमना ने ख़ुद ही अपने अगले रिव्यू में एड्रेस हमारे अगले रिव्यू में एड्रेस कर दिया था तो उन्होंने बोला था प्रॉबली वो थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी निदा की और उनको शायद नहीं होना चाहिए था जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए आमना ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया मेरा पॉइंट भी सिर्फ यही था और तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की बाकी जहाँ तक बात है क्रिटिकल होने की अभी आमना मुझे कह रही है कि आप क्यों इतना क्रिटिकल होते हैं कितना क्रिटिसाइज करते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है जो अच्छा नहीं लगता उसके बारे में खुल के बात करते हैं एंड आई वॉन्ट टू एड्रेस दिस वी आमना एंड आई है आई था तब भी हम एक्टर्स को इंटरव्यू करते थे तो ये कोई नया फिनल नहीं है कि एक्टर्स को अब इंटरव्यू करना शुरू किया एक्टर्स को बड़े लंबे अरसे से इंटरव्यू करते आ रहे हैं समथिंग हॉट पे बड़े लंबे अरसे से इंटरव्यू करते आ रहे हैं बिलीव मी किसी एक, एक, एक एक्टर को इंटरव्यू करने का फ़ायदा इज़ नॉट वर्थ इट के अगर मैं और आमना अपना पूरा स्टांस बदल लें ड्रामों को लेके या कॉन्टेंट को क्रिटिक hmm. करने को लेके इट्स नॉट वर्थ इट क्योंकि कोई भी एक्टर आपका हमारा जो चैनल है वो चला नहीं सकता अपनी या लोन एक एक्टर अपनी स्टार पावर के ऊपर हमें पूरी इंडस्ट्री के साथ चलना है इंडस्ट्री को साथ लेके चलना है और इंडस्ट्री को बेहतर बना के आगे लेके चलना है तो उसमें दोस्तियां यारियां मिलना मिलाना हो भी अगर किसी आप ना तो कहती है कि दोस्ती भी नहीं बट हां चलो अगर किसी से दोस्ती हो जाती है आपके साथ अच्छी सलाम और दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि कोई वी आर ऑलवेज हैंगिंग आउट नीदर अच्छा आई विल स्पीक अबाउट माई सेल्फ यू वुडंट फाइंड मी हैंगिंग आउट विद एक्टर्स ऑल द टाइम या लाइक यू नो इन माई पर्सनल लाइफ हाँ कभी कोई दावत होगी कोई किसी के कोई बर्थडे पार्टी होगी चले गए वहाँ पे बट अदर दैन डैट इस नहीं है कि वो डिनर्स हो रहे हैं ये हो रहा है वो, वो हो रहा है फ्लॉँ शादी होगी कोई बर्थडे होगी तो, तो शादी होगी बर्थडे होगी ठीक है लोग रिस्पेक्ट से बुलाते हैं चले जाते हैं बट उसके बावजूद आपने देखा होगा जो भी ड्रामों के ऊपर क्रटीक है जो भी बात है हम अपने दिल से करते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी आपका ना वो वाला प्रोग्राम टॉक टॉक शो ना आही ना हमारा समथिंग हॉट कोई भी नहीं आपको चला के देगा आपको hmm. चलाना खुद है और आप लोग जो हमें प्यार भेजते हैं वो हमारी वजह से भेजते हैं डेरा से आप लोग हमारे ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं विच मीन नॉट टू अस पूरी दुनिया में आप लोग बैठे हैं आप लोग हमारे रिव्यूज़ को सीरियसली लेते हैं हम जो रिक्वेस्ट करते हैं ड्रामा मेकर से उसको आप सीरियसली लेते हैं एक्नॉलेज करते हैं तो दैट गोज ऑन टू प्रूव कि हमारे ओपिनियन की कोई हैसियत है वक्त है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम उस पर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे hmm. सवाल ही नहीं पैदा होता नेवर एवर नेवर And I have to say, contrary to what you might think, a lot of actors have actually said that they do not want to come to the talk talk show. You've and said they, this before. Yeah, uh, to you personally, I think never no, on camera. Uh, on camera, I no. I think I've not said it to them. I want to say it on camera. A lot of actors <clears throat> said we, we don't. They don't want to come. And no, nobody can change their opinion. They will okay. not come to my show. I'm proud of you if they're saying that they don't want to come. That means yeah. you're doing something right. They don't want to come. Yeah, and those well. who want to come, they will come. There are many actors who've not come on something hot who've come on the Talk Talk Show. Why you must ask yourself? We know why. Yeah, I know. I mean obviously there are budgets involved and there are like, you know, other things mm -hmm. involved. The channel, a Prospect of work. Hota hai. <laughs> mm -hmm. अच्छा एक अच्छा कमेंट है जो कि अच्छे कमेंट भी उठाने चाहिए बींग हम्बल नाइन फाइव फाइव सिक्स लिखती हैं या लिखते हैं डियर रामना जी योर इंटरव्यूज आर नॉट लाइक्ड बिकॉज मच बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली प्रोफेशनल एंड अबाउट द आर्ट यू डोंट आस्क क्वेश्चंस लाइक आप इस एक्टर को क्या एडवाइस देंगे आप किसके जैसा बनना चाहोगे आप फलाना एक्ट्रेस की लाइफ में क्या चेंज करना चाहोगे ब्ला 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 only those people who seriously want to sit and talk about their craft not shit and are and should be interviewed uh, there are interviews these are interviews which are actually worth watching i would like to take this comment for something hot that we interview people

अच्छा लगा हसन टॉक टॉक शो करके थक जाते हैं शायद वी वांट टू हियर बोथ ऑफ यू कीप गोइंग आमना वेक अप हसन है? वेक अप हसन दो हफ्ते पहले की टॉक टॉक शो की तो मेरी रिकॉर्डिंग्स ही नहीं आजकल हो रही रमजान के बाद उन्हें लगा ना कि आप सारा वहां पे अपना निकाल देते हैं अच्छा पता नहीं आप ना क्या करें ना ऐसे हां हम्म ठीक है कितनी देर हो गई भाई एक दो कमेंट आमना जी और ले यार। मेरे पास सारे पुराने कमेंट्स एक्चुअली आमना जी नहीं ना यार प्लीज नहीं है ना कुछ तो कोई तो ढूंढे यार कमेंट अब uh, सुबाता अहमद सबाता अहमद पीसी हाँ। ने, हाँ। ने लिखा है कि आई फील आई कैन एब्सोल्यूट पिग मेंशनिंग इट एज आई अडोर आमना बट इट्स रियली अनोइंग टू हियर हर कॉल ब्रिट्स एज ब्रिटिशर देयर इज नो सच वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज माय लव मिस्टर शेकी पियर वुड बी टर्निंग इन हिज ग्रेव

देसी स्टाइल पीसी टू एट जीरो तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपने नाम सोचा पोर्शन कंट्रोल देसी स्टाइल पीसी इसके पीछे अगर आप हमें कुछ बता सके बता था था? क्या नाम है पोर्शन कंट्रोल पोर्शन कंट्रोल देसी स्टाइल पोर्शन कंट्रोल लेकिन देसी स्टाइल मतलब PC... पराठे खाओ हाँ। लेकिन दो खाओ एक खाओ नहीं दो खाओ तीन ना खाओ तीन ना खाओ, दो खाओ देसी स्टाइल ना और अगर आलू वाला पराठा खा रहे तो

Do Hassan is great too. Yes. You are Har ki? But thanks. Is genius, aage, aage but thanks Hassan for being so respectful towards Amna. Both of your chemistry is great and joyful to watch while talking each other. Also Hassan learn some fashion and become fashion fortnightly partner on Amna as well. Or else Amna herself is enough. <laughs> Not everyone bracket Tabish has a sense of speaking on camera. मैंने okay. भी हमारे फैमिली का हिस्सा है उनको ऑन द स्पॉट ले हैं क्या कहना चाहेंगे कमेंट hmm. शुरू ऐसे हुआ हाँ. फिर ये कहीं और गया फिर ये कहीं और तो तो मतलब हाँ. मैं मुझे लगा है जबरदस्त है, क्या कहना चाहेंगे बुनियादी बात ये है कि पोर्शन कंट्रोल देसी स्टाइल डैश पीसी टू आप उनकी सबसे फेवरेट है बट यूर ऑल्सो नाइस मैं आई एम ओके बट वो कह रही है कि भाई हमने आपको हाँ. शेयर नहीं करना किसी और के साथ हाँ। या आप सोलो आए हाँ। जहाँ पे भी आपने आना हाँ। आना या हसन के साथ है ठीक है सर फर्स्ट फैशन फॉर नाइट आप अगली मेरे साथ नहीं मैं नहीं मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है वो कल को आप बोले मुझे म्यूजिक पे करो मैं, <coughs> मैं कहूँगा नहीं आमना जी मेरा डिपार्टमेंट नहीं है शायद ले ले मैं तो नहीं, मैं नहीं, मैं दे मैं नहीं मैं दे दे सकते हैं मैंने कौन सा ये कहा बात सुनी है पहले यार ये इतना मशहूर वाक्य हुआ था समी <laughs> नो यस 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 हमारे जो दो फेवरेट लोग हैं अच्छा ताबिंदा हसन टू सिक्स वन सेवन ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया है आ, आप पढ़े मैं नहीं पढ़ सकता मेरे ऊपर होगा और क्या मेरी सेल्फ इंडल्जेंट इतनी है ना ये सेल्फ ऑब्सेस एड्रेसिंग समथिंग हॉट हसन चौधरी डॉट डॉट डू नॉट टेक इट इन अ रॉन्ग वे But your hands are really pretty. I mean, it's very beautiful. Fawad Khan types. jaake Why are you trying to be Ross? <laughs> yeah, thank you. Kya <laughs> Nicely. Nicely manicured. Not manicured. Yours are manicured. Mine are not. Never been manicured. Look at my hands. Never been manicured.

बहुत खुशी होती है मुझे आपके हाथ देख के ये लिखने वाली खातून है कि मर्द है खातून है ऑब्वियसली ये क्या बात की है आपने <laughs> और मर्द भी हो तो क्या है अगर किसी मर्द आ, में मर्द भी हो तो क्या है क्या आपने क्या आपके जहन में आया आपने हाथों को लेकर मेरे के के अगर किसी मर्द हाँ। को मेरे हाथ पसंद है तो यू आर थैंक यू थैंक यू थैंक यू खातून है तो यू आर मोस्ट वेलकम थैंक यू आल्सो

है 50 minutes का तो होना नहीं है। नहीं बहुत है नहीं होना चाहिए ना टॉक तो शो में ऐसी बातें पूछते हैं जो हाँ। कंट्रोवर्सी बन जाती है आप ऐसे क्यों करते हैं किसका मैंने पूछा मैंने क्या पूछा मुझे फिर लोग मुझे कॉल करते हैं किसने किया बता नहीं सकते किसने फोन किया यार ऐसे क्यों करते हैं यार हसन से पूछे वायर कॉलिंग मी किसने आपको ना मैं तीन में ना तेरा में क्या गायक ना मुझे कोई नुकसान

पब्लिक में करेंगे तो प्राइवेट में तो नहीं होगा मैं बात क्या कर रही थी कि आप प्राइवेट पे जाते हैं शादियों पे पे मिडनाइट uh, अफेयर्स होते हैं टू to... <coughs> ये आपने क्या बात की जी बात की है मुझे तो चले ये आई जी उषना की शादी पहली पिक्चर उष्ना के साथ खातून ठीक है उष्णा भी शादी हमजा क्यों नहीं है में? ये पीछे हम सब बैठे उजी थे मैं उनको, उनको तो कहता क्या दोनों को गया मैंने को मैं का फोटो मेरे साथ, अच्छा नहीं लगता उष्णा थ्री वो किसी और के साथ पिक्चर खींचे मैंने पिक्चर खींच ली दूसरी पिक्चर सज्जल अली की सज्जन के साथ बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का ठीक है तीसरी पिक्चर किसके साथ कुछ मर्... कितने मर्द कितने मर्द एक दो तीन चार पांच छः सात मर्दों में मैं अकेला खड़ा खड़वा कोई औरत नहीं है जी? ये आपको नजर ना आई नहीं ये तस्वीर नजर ना आई आपको नहीं। ना नजर आई नहीं कोई बात नहीं सबूर है सबूर है सबूर। ये ये अब जो आप जो आपकी जो ग्रुप पिक्चर होती है जैसे और होती है वो मर्दों के साथ होती है यार सोलो पिक्चर तो अब किसी अच्छा सोलो जॉब की ये चलाना साइड बचा है ना ठीक करके ये, ये तुम चलाओ आप ये ये आप ये आपके सबूर, सबूर 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 के साथ हां आगे चलें ये देखें आप देखा ग्रुप पिक्चर कौन है अगेन ग्रुप दो मर्द हैं दो औरतें ग्रुप क्या मतलब ग्रुप है फिर सोलो तो तस्वीर कोई नहीं आप खिचाते हैं मर्दों के साथ ये फिर फिर कोबरा ये देखें ग्रुप पिक्चर इनमें

Yeah. और अच्छा और ये जो आप पिक्चर की बात कर करें किंजा जिनकी बर्थडे उनकी बर्थडे हाँ। उन किंजा के साथ अच्छा आप किसी मेल एक्टर की बर्थडे पे कभी नहीं जाते जो मुझे इनवाइट करेगा मेल एक्टर उनकी बर्थडे पे भी जाऊंगा मैं मुझे मेल एक्टर ने इनवाइट ही नहीं किया किसी ने अभी तक किया तो था आप गए नहीं किसने किसने अब मैं अब बुरा लगता है मैं नाम बोलूं अब किसने किया नहीं लेकिन इसकी मुझे समझा ये हमें समझाए ये और हानिया के साथ मैंने की थी मुझे प्यार हुआ था की वजह से ये हानिया के साथ मुझे प्यार हुआ था कि एक एक रेलेवेंस चल रही थी उससे पहले ये दानिश तहमूर मेरे साथ खड़े हैं ये तो टॉक टॉक शो पे आए थे तो, तो मैं क्या पिक्चर, तो बात पिक्चर बात की जाई मैंने ये देखें मनीष मल्होत्रा मैं ये है अब एक सेकंड मनीष मल्होत्रा हां है पिक्चर मनीष मल्होत्रा के साथ

तो उनके दोस्त ने उनको कहा कि दादी साहब बटेरा लो ना तो उन्होंने कहा मैं लेना तो फिर वो खाना शुरू हो गए तो उन्होंने कहा दादी साहब बटेरा लो ना तो उन्होंने कहा मैं खाना दो तीन दफ़ा उन्होंने सिर्फ किया कि दादी साहब बटेरा पाओ ना तुसी। अच्छा फिर तुम मैंने जाल लिया दे <laughs> मेरे ख्याल वो भी किसी का कोट करते थे उनके साथ नहीं था। ये मेरे नाना की शायद कहानी थी दिया कुछ तो मतलब आप भी ऐसे जाल डाल के तस्वीरें ढूंढ रहे हैं कि कोई सोलो तस्वीरें मर्दों के साथ मिल जाएँ वरना जो शोरबा है ना वो सब खात के साथ ही है आपका ले जी इस पर खत्म होता है हमारा आज का ऑन द स्पॉट अच्छा ये क्या जाति की बात हसन की कुछ बातें हमने अच्छी रिवील की आज के जब वो मर्दों के साथ खिंचवाते हैं तो ग्रुप पिक्चर्स होती हैं और दो, जब अब दो मर्दों का भी ग्रुप है और फहद के साथ पिक्चर खिंचाई वो भी ग्रुप हो गया हाँ बिल्कुल है ये दो मर्दों का अब आप मुझे एक बात रियलिस्टिकली स्पीकिंग दो मर्द है अब दो मर्द यूं करके फोटो खींचा अच्छा लगता है क्यों क्या संप्रा? ये तो आपकी जहनियत यही 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 तो बात है यही तो बात है कि आपकी वो वाली है। मर्दों के साथ वाली है, तो है इनका औरतों के बारे में फिर ऐसे कहते हैं बायस नहीं हो सकता लेडीज के बारे में नहीं चलो यार जी अगर... अगर आप लोगों को आपको लगे मैं गलत कह रही हूँ तो सोलह सोलह मर्दों के साथ फोटो खींच जब आप पार्टीज पे जाएं, नॉट इंट्रोड्यूस अ टॉक टॉक अबाउट किसी भी मर्द को तो पकड़ के फोटो आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ नाइट शो पार्टीज दैट यू गो टू व्हाई डोंट यू गो टू दोस पार्टीज इट्स नॉट माय कप ऑफ टी थैंक यू ये था आज का ऑन द स्पॉट बड़ा मजा आया आमना से बात करके इन्होंने कपड़े तब्दील कर लिए मैं याद ही कि मैं बहुत सस्ता हूं हां

अगर थर्सडे को पहला रोजा हो गया और अगर आज पहला रोजा है नहीं थर्सडे को पहला रोजा हो सकता है ना हाँ हो सकता है आज पहला रोजा हो अगर आज पहला रोजा आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक अब पहला रोजा नहीं भी है फिर भी आपको रमजान फिर भी आपको रमजान चार नजर आ चुका होगा क्योंकि चार नजर आ जाएगा और हम कल आपसे पहले रमजान को मुलाकात करेंगे आज अगर पहला रोजा तो आपको बहुत बहुत, 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 बहुत रमज़ान मुबारक को अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में हमें भी याद रखिएगा हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे और अल्लाह करे सबका रमजान खैर खैरियत के साथ गुजरे और रमज़ान में हम सब बहुत ढेरों नीकियाँ कमाएँ और बहुत अच्छी अच्छी दुआएँ मांगे और इबादत पर अपना ध्यान दें दे। और मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल हॉट रुपये तब तक ख्याल रखिएगा खुदाफ़ि